और कोयटा के मिजान चौक में 2 किलो कुर्बानी का गोश्त का थैला बताया जा रहा है कि 4000 रुपए में फरोख किया जा रहा है। गरीब आवाम वहां से गोश्त खरीद रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा सिदरा आरिफ से। सिदरा, ये कुर्बानी का गोश्त फरोख क्यों किया जा रहा है? जी, आज ईद का दूसरा दिन है और इसलिए मैं मौजूद हूँ मिजान चौक पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोफेशनली जो भिखारी हैं जिन्होंने घरों में जा जा के ईद के पहले दिन और दूसरे दिन जो गोश्त जमा किया है वो यहाँ पे बेच रहे हैं। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है कि यहाँ पे जो गोश्त बिक रहा है वो कितने का बिक रहा है और यहाँ पे जो गरीब लोग मुस्तहिक लोग जो दोस्त हैं उनके बारे में इनका क्या ख्याल है। तो यहाँ पे आपने देखा भी, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है वो ईद के बारे में गोश्त बिक रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ये लोग घरों में जो गोश्त दे रहे हैं भिखारियों को, मैं तो तैयार से कि भिखारियों को गोश्त न दे। जिनका हक बनता है हम सही लोगों का, वो गरीब लोगों को आप दे दे कि वो शाम अपने घरों में बच्चों को बकाए दे दे। ये भिखारी आकर बच्चा खान चौक पे जो बेचते हैं तो है, वो अपने घरों के पास जो मुस्तहकम है उनके घरों में दें, ना कि उन लोगों को जो प्रोफेशनल भिखारी हैं क्योंकि वो यहाँ आके गोश्त बेचते हैं और अपनी मनमानी की कीमत वसूल करते हैं। ठीक है सिद्रा, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।